नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किच्चा सुदीप के बारे में। जानेंगे इनकी फैमिली के बारे में, साथ ही साथ चर्चा करेंगे इनके फिल्मी सफर पर। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल फिल्मी वाणी पर साउथ के लगभग सभी एक्टर्स की फैमिली के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप अपने पसंदीदा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, किच्चा सुदीप मेनली कन्नड़ा इंडस्ट्री के एक्टर हैं। इसके अलावा ये तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। ये एक सफल एक्टर के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, टीवी होस्ट, सिंगर और डांसर भी हैं। इन्होंने साल 1997 की कन्नड़ा फिल्म थयव्वा से अपना डेब्यू किया था। ये आज 55 फिल्मों में काम कर चुके हैं, 14 फिल्मों में कैमियो कर चुके हैं, 10 फिल्मों का नरेशन कर चुके हैं, 2 फिल्मों को प्रोड्यूस कर चुके हैं, 5 फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, 20 गाने गा चुके हैं और दर्जनों टीवी शोज को होस्ट कर चुके हैं। इन्होंने साल 2008 में फूक मूवी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था। इसके अलावा ये फूक 2, रन और रक्तचरित जैसी बॉलीवुड की फिल्मों में भी काम कर चुके हैं, लेकिन मक्खी मूवी के जरिए ये नॉर्थ में काफी ज्यादा जाने जाने लगे हैं। वैसे इनका असली नाम है सुदीप संजीव और फैंस इन्हें किच्चा कहकर बुलाते हैं। इनका जन्म 2 सितंबर साल 1973 को सिमोगा मैसूर में हुआ था, जो कि अब कर्नाटक के अंतर्गत आता है। इनका परिवार नरसिंह राजपुरा से सिमोगा में माइग्रेट हुआ था। इनके पिता का नाम है संजीव मजप्पा और इनकी माता का नाम है सरोजा। माँ इनकी साधारण गृहिणी थी, वहीं इनके पिता एक व्यापारी थे। दोस्तों, किच्चा सुदीप कुल 2 भाई बहन हैं। इनकी छोटी बहन का नाम है सुजाता, जो कि फिल्मों से दूर रहती हैं। दोस्तों, सुजाता जी के बेटे का नाम है संचित, जिनके किच्चा सुदीप मामा हैं। ये फिल्मों में गहरी रुचि रखते हैं और इन्होंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई थी। इसके अलावा ये सुदीप सर के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रह चुके हैं और जल्द ही कन्नड़ा इंडस्ट्री से अपना डेब्यू करने वाले हैं। खैर, वापसी करते हैं किच्चा सुदीप पर। इनकी प्राइमरी स्कूलिंग सिमोगा से हुई थी और ये इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बैचलर हैं, जो कि इन्होंने दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बेंगलोर से किया था। ये एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं, जिन्होंने अपने कॉलेज को अंडर 17 तक रिप्रेजेंट किया था। यही कारण है कि ये आज सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में कर्नाटका बुलडोजर के कैप्टन बने हुए भी नजर आते हैं। ये बचपन में काफी शर्मीले हुआ करते थे और फिल्मों में आने का तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद अचानक फिल्मों में आने का मन बनाया और रोशन तनेजा एक्टिंग स्कूल में दाखिला लिया। वहीं से इनकी साइनस खत्म हुई। दोस्तों, सुदीप ने साल 1997 की मूवी थयव्वा से अपना डेब्यू किया। ये फिल्म के प्रोड्यूसर की लास्ट फिल्म थी और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इसके बाद ये प्रत्यार्था मूवी में सपोर्टिंग रोल में नजर आए। फिल्म में रमेश अरविंद, रघुवरन और गिरीश कर्नाड जैसे दिग्गज कलाकार थे। इसके बावजूद किच्चा सुदीप लोगों की नजर में आने में कामयाब रहे। फिर आई साल 2001 में इनकी फिल्म स्पर्श। इस फिल्म में किच्चा सुदीप लीड रोल में थे। दोस्तों, इस फिल्म ने 100 दिनों का बॉक्स ऑफिस रन टाइम कंप्लीट किया और ये मूवी एक जबरदस्त हिट रही और ये मूवी आज भी किच्चा सुदीप की बेस्ट ऑफ बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है। इसके बाद ये हुच्चा मूवी में नजर आए, जो कि चिया विक्रम की मूवी सेतु की रीमेक थी। इस फिल्म को उपेंद्र सर और शिवा राजकुमार जैसे बड़े एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद न्यूकमर किच्चा सुदीप को इस फिल्म के लिए कास्ट किया गया था। दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही, साथ ही साथ इस फिल्म के लिए किच्चा सुदीप को फिल्मफेयर के बेस्ट एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा गया। दोस्तों, इस बीच ये वाली, चंदू और धम जैसी फिल्मों में नजर आए, जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसके बाद इन्होंने नंदी, किच्चा और स्वाति मुत्तू जैसी फिल्मों में काम किया और दोस्तों ये तीनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहीं। साथ ही साथ किच्चा फिल्म की सफलता के बाद ये नाम सुदीप सर के साथ ताउम्र जुड़ गया। दोस्तों, इसके बाद किच्चा सुदीप 6-7 फिल्मों में और नजर आए, फिर इनकी मूवी माई ऑटोग्राफ रिलीज हुई। इस फिल्म को सुदीप सर ने डायरेक्ट भी किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल भी रही। दोस्तों, अब तक किच्चा सुदीप सर की गिनती सैंडलवुड के टॉप एक्टर्स में होने लगी थी। इन्होंने नंबर 73 शांति निवासा फिल्म को भी डायरेक्ट किया और ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। वहीं इनकी फिल्म मुसंजे मातू भी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। कुछ एकाध फिल्मों के बाद इन्होंने फूक मूवी से बॉलीवुड में भी अपना डेब्यू किया। इसके बाद ये धमाल मूवी के रीमेक मस्त मजा माड़ी में संजय दत्त वाले रोल में भी नजर आए। इसके अलावा ये रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर मूवी विक्रमाडू के रीमेक में भी नजर आए। फिल्म का नाम रखा गया वीर मदक्करी और इस फिल्म को इन्होंने डायरेक्ट भी किया था। दोस्तों, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही। इसके अलावा ये रण, रक्त चरित्र, फूक 2 और रक्त चरित्र 2 जैसी दसियों फिल्मों में नजर आए और इनकी गाड़ी पूरी तरह से पटरी पर आ गई थी।
फिर साल 2012 में इन्होंने ईगा यानी कि मक्खी मूवी से तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। ये एक पैन इंडिया फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। साथ ही साथ इस फिल्म की वजह से किच्चा सुदीप की पैन इंडिया में काफी फैन फॉलोइंग बढ़ी। इसके बाद ये बच्चन, गोपी चंद की मूवी लक्ष्यम के रीमेक वर्धा नायिका, प्रभास की मूवी मिर्ची के रीमेक मानिक्या और पवन कल्याण की मूवी अत्यंत की दरीदी की रीमेक रड़ा में नजर आए। दोस्तों, ये फिल्में कन्नड़ा ऑडियंस के द्वारा खूब पसंद की गईं और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रहीं। ये बाहुबली द बिगनिंग में एक कैमियो रोल में पुली मूवी में विजय के अपोजिट मेन विलन के रोल में और मुकुंडा मुरारी, हे बुली और नो विलन जैसी बड़ी फिल्मों में नजर आए और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट भी रहीं। फिर साल 2019 में ये पहलवान मूवी में नजर आए। ये एक पैन इंडिया फिल्म थी और इसे काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था। दोस्तों, इसी साल ये सायरा नरसिम्हा रेड्डी मूवी में भी नजर आए। दोस्तों, ये सभी पैन इंडिया फिल्में थी और इन फिल्मों की वजह से किच्चा सुदीप की भी काफी फैन फॉलोइंग बढ़ी। दोस्तों, इनकी सभी फिल्मों को हिंदी में डब भी किया जाता है। आज ये चार फिल्मफेयर अवार्ड, एक साइमा अवार्ड, दो टोरंटो अवार्ड, एक नंदी अवार्ड, एक विजय अवार्ड, एक सिनेमा अवार्ड और एक एडिसन अवार्ड जीत चुके हैं। इसके अलावा इनको एक कर्नाटका स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है। ये 2013 से कन्नडा के बिग बॉस को भी होस्ट कर रहे हैं। इनकी एक इवेंट मैनेजर कंपनी भी है जिसका नाम है किच्चा क्रिएशन, जिसको इनकी वाइफ हैंडल करती हैं। बात करें इनकी वाइफ की तो मैं आपको बता दूं, इनकी शादी सन 2001 में प्रिया राधा कृष्णा से हुई है। दोस्तों, प्रिया राधा कृष्णा एक एयरलाइन कंपनी में जॉब करती थीं, जिनसे ये सन 2000 में एक फ्लाइट के दौरान मिले थे। इनसे इनको एक बेटी है जिसका नाम है सानवी किच्चा। तो दोस्तों, ये रहा किच्चा सुदीप सर पर हमारा एक डेडिकेटेड वीडियो। इस वीडियो में हमने उनकी फैमिली के साथ साथ उनकी बायोग्राफी को भी कवर किया है। आपको किच्चा सुदीप सर कैसे लगते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट अब आप किस एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।